नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और अभी अहमदाबाद आज अंतिम दिन है मेरा यहां पर रुकने का। अगर आप अहमदाबाद में मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए इच्छुक हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आइए पंचांग की तरफ रुख करते हैं। आज का पंचांग बताते हैं आप लोगों को, इसके बाद पूरे दिन का हाल हम बताएंगे ही बताएंगे। पूरा दिन आपका कैसा बीतने वाला है, किस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ कनेक्टेड रहेंगी, कौन सा योग ऐसा बनेगा। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा, श्लेषा नक्षत्र है, योग परिघ, तदनुसार दिनांक 29 अगस्त दिन गुरुवार। गुरुवार को राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। राहुकाल में नए और शुभ काम का आरंभ नहीं किया जाता। और गोलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। गोलिक काल में प्रत्येक कार्य आपके बन जाते हैं, हर प्रकार की शुभता आपको प्राप्त होती है। आइए अब मेष से लेकर के मीन तक बताते हैं कि आपका पूरा दिन आज का कैसा बीतेगा। जानकारी एक और दे देते हैं कि आप आने वाले समय में श्राद्धों के बीच अंतिम 7 दिन गया जी में हमारे साथ जुड़ करके अपने पितरों की शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, किसी भी नंबर पर कॉल करके आप मुलाकात करने का समय ले लें, मिल करके समझ लें। 7 दिन अपने पितरों के नाम अद्भुत अवसर आपको हमारी तरफ से मिल रहा है। इस अवसर का आप पूर्ण रूपेण लाभ लें, ये हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि क्या महिलाएं भी आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। बच्चे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है। अब तक आपने क्या किया था, कैसे किया था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप जो करेंगे वो क्या करेंगे, इससे हमें जरूर लेना देना है। तो हम आप सबका आवाहन करते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप गया जी में हमारे साथ 7 दिन का विशेष पिंडदान का जो उत्सव है ये मनाने आप जरूर आएंगे। आइए शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए दिनांक 29 अगस्त दिन गुरुवार पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष रुकावटें आएंगी, शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष नुकसान हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में कोई प्रबल बाधा के भी संकेत दिखाई देते हैं। बिजनेस आज बहुत अच्छा चलेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस में बहुत प्रबल बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। बिजनेस आज अच्छा चल रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण आज आपका कंप्लीट होने जा रहा है। दिनांक 29 अगस्त मेष राशि। प्राइवेट सेक्टर नौकरी में प्रमोशन है, गवर्नमेंट सेक्टर वाहन का सुख मिलेगा, दांपत्य जीवन लाभ के अवसर मिलेंगे, दांपत्य जीवन में किसी तरह की विशेष दिक्कत नहीं आएगी। मेष राशि लव लाइफ, कोई नया आपके जीवन में प्रवेश करेगा, ये आपके लिए एक महोत्सव से कम नहीं रहेगा। स्वास्थ्य आज बैक की प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा पेट की दिक्कत भी परेशान करेगी। मेष वालों के लिए उपाय क्या करना है, आज दाहिने हाथ की छोटी उंगली में थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिएगा, लाल वाला। क्या नहीं करना है, आज अपने इरादे किसी को बताने नहीं है। लाल रंग शुभ है, 68% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, पढ़ाई भी पूर्णता आएगी, शिक्षा क्षेत्र में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी, आज कहीं इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। आज गवर्नमेंट सेक्टर, व्यापार, प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले हम बताते हैं बिजनेस। वृषभ राशि वालों को व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ मुश्किलें आज मिल सकती हैं, कुछ उलझने परेशान भी करेंगी। वृषभ राशि, मामला आपके पक्ष में है। वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूलता लेकर के आया है। प्राइवेट सेक्टर में आज वाहन का सुख मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में रुकावट दूर होगी, बॉस पीठ थपथपाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति गड़बड़ है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कुछ अनुकूलता
अचानक से प्रतिकूलता में कन्वर्ट हो रही है, किसी तरह की जांच में उलझ सकते हैं, कोई दोस्त आज गद्दारी करेगा, सावधान रहें तो बेहतर है। वृषभ राशि, दाम्पत्य जीवन 29 अगस्त अच्छा रहेगा दिन। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की बाधा नहीं है, दाम्पत्य जीवन का समय बहुत अनुकूल है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ रिश्ते को प्रगाढ़ करने की कोशिश में कामयाब होंगे। दिनांक 29 अगस्त वृषभ राशि, लव लाइफ मामला टफ रहेगा, सोच समझ करके फैसला लेना होगा, कोई बहुत बड़ी समस्या आज आपके साथ कनेक्ट हो रही है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के मामले में लीवर की दिक्कत रहेगी, आज हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, इसी बात को लेकर के आज दवाओं के प्रति लापरवाही भारी पड़ेगी। उपाय क्या करना है, आज वृषभ वाले ब्लैक कलर जरूर पहन लीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज आज किसी को आहत नहीं करना है। काला रंग शुभ है, 63% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, मन लगा करके पढ़ेंगे, तबीयत से आज पढ़ाई का आनंद आएगा, शिक्षा क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ी उन्नति मिलने जा रही है, शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ के अवसर बनेंगे, शिक्षा क्षेत्र में किसी मित्र का साथ रहेगा, शिक्षा क्षेत्र में कुछ गड़बड़ होता हुआ काम आज बन जाएगा, बिजनेस आज बहुत अच्छा चलेगा, व्यापार में किसी बड़े घाटे की आज भरपाई करेंगे, पार्टनरशिप चल निकलेगी, पार्टनरशिप में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। आज गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यहां पर मामला टफ रहेगा, एक दूसरे के प्रति तालमेल की कमी रहेगी, किसी बॉस के साथ प्राइवेट सेक्टर में कुछ मनमुटाव जहां हो रहा है, वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में बॉस किसी बात को लेकर के आपसे उलझ जाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, कोई दोस्त मदद के लिए आगे आएगा अगर समस्या आई तो। दिनांक 29 अगस्त दिन गुरुवार, लव लाइफ, आज लव लाइफ में डीप पर जाना कैंसिल करें क्योंकि आज उलझन बढ़ सकती है। आज मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ में शादी वगैरह की चर्चा टाल दीजिए तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज मिथुन राशि वालों को लीवर की समस्या है, सांसों की दिक्कत हो सकती है, आज सर में चोट आदि की संभावना है। क्या उपाय करना भैया, उपाय के तौर पर जरूरतमंद को दवा का दान शुभ रहेगा। क्या नहीं करना है, आज अपने मन से किसी का हृदय नहीं दुखाना है। बैंगनी रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, पढ़ाई में आज मन नहीं लगेगा, शिक्षा में आज विमुखता रहेगी, आज दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव गंभीर हो सकता है, बिजनेस अच्छा चलेगा, व्यापारिक घाटे की भरपाई करेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, आज धन की प्राप्ति बढ़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन सुख आज उत्तमता के साथ मिल रहा है, प्रमोशन के चांसेस हैं, दोस्तों के साथ कुछ मनमुटाव दोपहर के बाद हो सकता है, कार्य क्षेत्र में लेग पुलिंग होगी। गवर्नमेंट सेक्टर, समस्याओं का समाधान निकल आएगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, बाहर कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बन सकता है। दाम्पत्य जीवन कर्क राशि 29 अगस्त, यहां मामला थोड़ा टफ रहेगा, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति आज गंभीर हो सकती है, लव लाइफ स्मूथ रहेगा, लव लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, हां एक बात हो सकती है, आज लव लाइफ में शादी की चर्चा फाइनल हो जाएगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के मामले में आज गर्दन की समस्या हो सकती है, पेट की समस्या भी रहेगी, इधर उधर भाग दौड़ से बहुत ज्यादा आज थक जाएंगे आप। उपाय क्या करना चाहिए, अगर आपकी राशि कर्क है तो लेफ्ट हैंड के थम से चांदी छू करके सिल्वर टच कर दीजिएगा और फिर घर से प्रस्थान करें। क्या नहीं करना आज, आज जल का अपव्यय न करिएगा। पीला रंग शुभ है, 68% का भाग्य आपके साथ है।
सिंह राशि। खूब मन लगा करके पढ़ेंगे, शिक्षा क्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। शिक्षा क्षेत्र में कोई प्रबल बाधा आज दूर हो जाएगी। आज सिंह राशि वालों को देखा जाए तो खूब मन लगाकर पढ़ाई तो कर रहे हैं, फीस आदि की उलझने दूर हो रही है, बिजनेस आज अच्छा चलेगा। व्यापारिक रूप से आज कुछ नए वर्क ऑर्डर मिल सकते हैं, कहीं नया एग्रीमेंट हो सकता है। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। सिंह राशि, प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन है, वाहन का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद की विवाद से मुक्ति मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर, स्थितियां सामान्य हैं, प्रमोशन आज नहीं हो पाएगा, कोई चर्चा आज बॉस के दिल पर लग जाएगी। थोड़ा सा अपने आप को संयत रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि, 29 अगस्त गुरुवार, लव लाइफ और मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में आज पति पत्नी स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य में आ रही बाधा दूर होगी, स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आज एक दूसरे का साथ अच्छा मिलेगा। लव लाइफ स्मूथ रहेगा, डेट पे जा सकते हैं। आज आप चर्चा के विषय बने रहेंगे, शादी की बात फाइनल हो सकती है। सिंह राशि के लड़कों को आज लड़की पसंद आ जाएगी। स्वास्थ्य, आज बैक की प्रॉब्लम बहुत परेशान करेगी, थोड़ा शुगर भी दोपहर के बाद बढ़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, सिंह राशि वालों को आज किसी महिला को कुछ खाने की वस्तु दान कर दीजिएगा। स्लेटी रंग शुभ है, 64% का भाग्य साथ देगा। क्या नहीं करना है, दोपहिया वाहन से लंबी यात्रा नहीं करना है। कन्या राशि, समय अनुकूलता लेकर के आया है, पुरानी बड़ी समस्याओं से आज बाहर निकलेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, बिजनेस थोड़ा सा झटका देगा, घाटा हो सकता है, पैसा कहीं फंस सकता है, रिस्क मत लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर, लाभ के नए अवसर बनेंगे। कन्या राशि, 29 अगस्त गुरुवार, प्राइवेट सेक्टर, वाहन आज परिवर्तन करने के लिए विचार त्याग दीजिएगा। शादी वादी के लिए कोई प्रपोजल आज आपके पास आ सकता है, आज आपका धन आपके काम आएगा। कन्या राशि, दांपत्य जीवन की स्थिति सुचारू ढंग से चलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी लाभ के अवसर बनेंगे, प्रमोशन के चांसेस रहेंगे, पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाएंगे। लव लाइफ टफ रहेगा, लव लाइफ में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, लव लाइफ को लेकर के आज थोड़ा सा भयभीत भी रहेंगे आप। कन्या राशि, 29 अगस्त दिन गुरुवार, स्वास्थ्य, आज लीवर, किडनी और आंख की समस्या परेशान करेगी। उपाय क्या करना है आपको, कन्या राशि वालों को आज जरूरतमंद को सब्जी दे दीजिएगा, हरी सब्जी। क्या नहीं करना है, आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। केसरिया रंग शुभ है, 51% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, दिनांक 29 अगस्त शिक्षा में लाभ के अवसर बनेंगे, शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष होने वाला है, नुकसान खत्म होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा, बिजनेस में कुछ बड़ा निवेश भी किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर, लाभ रुक सकता है, धन की कमी सताएगी, आज नौकरी पर आंच आ रही है, कोई दोस्त चीट कर सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर, वाहन का सुख मिलेगा, तालमेल अच्छा बैठेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे, कुछ रुकावटों से बाहर निकालने में कोई दोस्त मदद करेगा। दाम्पत्य जीवन, समय अनुकूलता लेकर आया है, पति पत्नी के बीच थोड़ा सा सुगम वातावरण बनेगा, एक दूसरे को आप लोग समझेंगे और उसका लाभ लेंगे। तुला राशि, दिनांक 29 अगस्त दिन गुरुवार, लव लाइफ, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा भैया, आज लव लाइफ में कुछ विशेष समस्याएं आ सकती हैं, आज आप पर उंगली उठ सकती है। स्वास्थ्य, हड्डी, आंख और पेट की दिक्कत रहेगी। उपाय क्या करना है, व्हाइट कलर आज धारण कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज अपने इरादे नहीं बताने,
सफेद रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ, वृश्चिक राशि। मन लगाकर पढ़ने का आनंद आज आपको ही आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेंगे, बहुत सामान्य रूप से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, कोई पुरानी समस्या सदा के लिए दूर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। बिजनेस, रोके धन की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिप अच्छा चलेगा, मित्र साथ देंगे। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं, विदेश से नया ऑफर आ सकता है, आज नई नौकरी के चांसेस बहुत गहरे हैं, कोई महिला बॉस आपके लिए खुशी के दरवाजे खोलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर, समय में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आज आंखों की तकलीफ आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत का सबब बनेगी। वाहन का सुख मिलेगा, आज रुके धन की प्राप्ति होगी, मकान आदि में निवेश कर सकते हैं, अनुकूलता आपके साथ रहेगी। वृश्चिक राशि, मन प्रसन्न रहेगा, सोच समझकर फैसला लेना होगा, आपके लिए आज दाम्पत्य जीवन में खुशी के बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा सेट रहेगा। दिनांक 29 अगस्त, वृश्चिक राशि, लव लाइफ। एक बार फिर से मामला डामाडोल होगा, आज सोच समझ करके ही सामने वाला आपको उत्तर देगा, दृढ़ रहिएगा, पवित्र रहिएगा। स्वास्थ्य, स्किन प्रॉब्लम, आंखों की तकलीफ, बैक प्रॉब्लम, उपाय क्या करना है। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन को बेहतर करने के लिए 3 बार ह्रीं कहना है, HREENG, ह्रीं ह्रीं ह्रीं, क्या नहीं करना है। आज ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हरा रंग शुभ है, 69% का भाग्य आपके साथ है, 69%। धनुराशि, मन लगाकर के पढ़ने का आनंद आएगा, मित्र साथ देंगे, रुके कार्य आपके बन जाएंगे, सोच समझ करके फैसला आपके पक्ष में आ रहा है। बिजनेस, मामला ठीक ठीक रहेगा, धन का लाभ होने जा रहा है, मानसिक शांति मिलेगी, रुके काम चल निकलेंगे, परिस्थितियां बहुत पक्ष में रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन है, विदेश से बड़ा ऑफर मिल सकता है, कोई दोस्त बहुत मदद करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर, आज वाहन से चोट चपेट की संभावना है, बॉस के साथ किसी बात को लेकर के उलझ सकते हैं, आज गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए नई जिम्मेदारी आपको परेशान करेगी, मन कम लगेगा काम में। धनुराशि, 29 अगस्त, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी आपस में उलझ जाएंगे, कोई बाहरी व्यक्ति के किसी बात को लेकर के आज बहुत गर्म बहस हो सकता है, कुछ परिस्थितियां बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है, जितना हो सके कोशिश करिए चीजें फेवर में रहे, इधर उधर भागना बंद करिएगा। लव लाइफ, दिन अच्छा रहेगा, शादी की चर्चा हो जाएगी, कुछ बड़ा उपहार मिल सकता है। स्वास्थ्य, धनुराशि, स्वास्थ्य के मामले में बैक से आज बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे आप, बैक की हड्डी थोड़ी सी उलझाएगी आप, क्या उपाय करना है। अगर आपकी राशि धनु है तो आज लाल रंग का कोई सामान अपने पास रख लीजिएगा, क्या नहीं करना है। आज के दिन अपनी बात जबरदस्ती किसी से मनवानी नहीं है, लाल रंग शुभ है, 66% का भाग्य आपके साथ। मकर राशि, आज एक दूसरे के साथ मित्रों में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई आज बहुत अच्छी चलेगी, शिक्षा क्षेत्र में किसी तरह की विशेष घाटा बाधा नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बिजनेस में आ रही बाधा दूर हो जाएगी और बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। प्राइवेट सेक्टर, मामला टफ रहेगा,
आज आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी। कुछ धन को लेकर के आप लेन देन को लेकर के परेशान हो सकते हैं। दिनांक 29 अगस्त मकर राशि गवर्नमेंट सेक्टर, प्रमोशन के लिए विचार त्याग दीजिएगा, मामला सीरियस है। इधर की उधर करना भारी पड़ सकता है, पुलिसिया जांच में उलझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में किसी तरह की ऐसी समस्या नहीं आएगी जो आपके लिए कुछ ज्यादा आपको परेशान करे। मकर राशि, लव लाइफ दिन अच्छा रहेगा, डेट पे जा सकते हैं, शादी की चर्चा बहुत अच्छे से करिएगा, परिजनों का साथ मिलेगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आज खुश रहेंगे। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के मामले में आंख और पेट से परेशान रहेंगे आज। क्या उपाय करना है? दिनांक 29 अगस्त को मकर राशि वालों को आज किसी बुजुर्ग को कुछ दवा आदि का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज अपने इरादे ना ही बताएं किसी को तो बेहतर है। बादामी रंग शुभ है, 62% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, मामला बिल्कुल आपके लिए सेट हो गया है, कहीं से कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा क्षेत्र में लाभ के अवसर बनेंगे, कोई रुकावट नहीं आ रही। कुंभ राशि दिनांक 29 अगस्त दिन गुरुवार, बिजनेस व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा, बिजनेस में किसी तरह की विशेष बाधा नहीं आएगी। बिजनेस आज कुछ बड़ा करने की कोशिश कामयाब कराएगा। व्यापारिक रूप से आज सब कुछ आपके पक्ष में है, चिंता ना करिए। प्राइवेट सेक्टर में मामला गड़बड़ होगा, यहां एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठ पाएगा, आज कोई बॉस फायर कर सकता है। लड़कियों के प्रति कुछ आप पर झूठे इल्जाम लग सकते हैं, कुंभ राशि की महिला है तो पुरुषों के प्रति झूठे इल्जाम लग सकते हैं। कुंभ राशि गवर्नमेंट सेक्टर, मामला ठीक रहेगा, धन की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन आज पति पत्नी एक दूसरे से अनावश्यक रूप से मुंह फुला के बैठेंगे, ठीक नहीं है, सोच समझ करके फैसला लेना होगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कामयाब होगी, पति पत्नी तालमेल अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, डेट पे नहीं, ज्यादा बोलना भी आज भारी पड़ेगा, मन थोड़ा सा व्यथित होगा। स्वास्थ्य के मामले में गर्दन की समस्या, चेस्ट की दिक्कत, आंखों की तकलीफ परेशान करेगी। उपाय क्या करना है? गौ माता को प्रणाम करके एक रोटी खिलाइएगा। क्या नहीं करना है आज कुंभ राशि वालों को? किसी से झगड़ा नहीं करना है। हरा रंग शुभ है, 50% का भाग्य आपके साथ है। मीन राशि, पढ़ाई अच्छी चलेगी, मन लगाकर पढ़ेंगे, आज कुछ भाषणबाजी भी हो सकती है, रुके धन की प्राप्ति होगी, रुपए पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस अच्छा चलेगा, व्यापार बहुत अच्छा कर लेंगे आप। मानसिक रूप से आज अपने आप को असहाय पाएंगे, कुछ बड़बोलापन आपके लिए भारी पड़ेगा। सोच समझकर अच्छा करने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य, आंखों की तकलीफ ज्यादा परेशान करेगी। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ आप पर जांच वगैरह आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में पत्नी आज किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी। लव लाइफ में डेट पे जाना भारी पड़ेगा, परिजनों से विवाद की स्थिति आ रही है। स्वास्थ्य के मामले में आज पैनक्रियाज, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की दिक्कत हो सकती है। उपाय के तौर पर आज किसी पौधे के नीचे जल दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है। गुलाबी रंग शुभ है, 57% का भाग्य आपके साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब आज का भाग्य अक्षर। मेष, ड अक्षर वृषभ, भ मिथुन, य अक्षर कर्क, ज सिंह, ट अक्षर कन्या, ख
तुला झ अक्षर वृश्चिक, ध धनु, ट अक्षर मकर, धा कुंभ, ह अक्षर मीन, वा आपका अपना है शुभ भाग्य अक्षर। 24 घंटे के लिए सादे कागज पर लिख के अपने पास रखें और एंजॉय करें। फटाफट चलते चलते आज की सक्सेस की, और हाँ कल से आप गाजियाबाद मुलाकात कर सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का सर से एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स वार कर किसी पौधे के नीचे या पीपल के नीचे रख दीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, प्यार बनाए रखिएगा। और आज अगर है समय तो देख लीजिए, 1-2 अपॉइंटमेंट और हो सकते हैं अहमदाबाद में। कल से आप गाजियाबाद मुलाकात कर सकते हैं। और हाँ, गया जी आ रहे हैं ना अपने जीवन को बदल देने, 7 डेज विद एस्ट्रो फ्रेंड। थैंक यू सो मच, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, श्री राधे।